Xiaomi ने आज से 3 हफ्ते पहले एक डिवाइस लॉन्च किया था जिसका नाम है Mi A1। मुझे वो डिवाइस बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि उसमें मिलता है एंड्रॉइड 1 और मैं कह सकता हूँ कि ये बेस्ट स्मार्टफोन है 1500 रुपए की रेंज में। तो ये है फुल रिव्यू Mi A1 का। हमें इस फोन में बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन मिली है, जैसे इसमें मिलता है स्नैपड्रैगन 625, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज और 3080 mAh की इसकी बैटरी है। अगर आपको इन सब कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर आप बेंचमार्क स्कोर्स को लेकर इंटरेस्टेड हो तो इसमें मैंने N22 रन किया था और इसके कुछ ऐसे स्कोर्स आए। वैसे तो मैं गेम्स खेलता नहीं बट मुझे इस फोन में देखना था इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है, तो मैंने इसमें NFS नो लिमिट इंस्टॉल किया और ट्रस्ट मी बहुत ही अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस थी। एक भी लैग नहीं था, एक भी फ्रेम लॉस नहीं था, बहुत ही स्मूथ गेम रन हुआ। यही रीजन है कि मुझे स्नैपड्रैगन 625 इतना अच्छा चिपसेट लगता है। चलो थोड़े कैमरे के बारे में बात करते हैं। हमें इस फोन में 12 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा मिलता है जिसमें से एक हमारा वाइड एंगल लेंस है और दूसरा 2x ऑप्टिकल जूम वाला लेंस, मतलब कि दूसरा लेंस 2 times ज्यादा जूम रखने की कैपेबिलिटी रखता है। मैंने इस कैमरे से कुछ पिक्चर्स क्लिक करी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे इस पहली पिक्चर को देखो, अगर आप इस पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देखो तो थोड़ी कार्टूनिश लग रही है और ब्लैक पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा ब्लैक है, बट इस पिक्चर में शार्पनेस की कमी बिल्कुल नहीं है। इंडोर फोटोग्राफी इस फोन की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कैमरा बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, कभी कभी बहुत अच्छी पिक्चर्स आ जाती है और कभी कभी बहुत ही बेकार। मैं इस कैमरे को 10 में से 7 देना चाहूंगा क्योंकि कभी कभी कलर टोन की दिक्कत इस फोन में आती है। चलो अब इस फोन के मेन कैमरा फीचर की बात करते हैं, पोर्ट्रेट मोड की। ये दोनों फोटो मैंने इस फोन के पोर्ट्रेट मोड से खींची है और दोनों तारीफ करने लायक है। लेफ्ट वाली फोटो डायरेक्ट सनलाइट में खींची है इसलिए उसमें ज्यादा लाइट है, बट अगर मैं लो लाइट में भी फोटो खींच रहा हूं तो उसमें बहुत ही अच्छा ब्लर भी करा है बैकग्राउंड और बहुत सारी डिटेल हमें मिली भी है। मुझे इसके पोर्ट्रेट मोड से सिर्फ एक ही शिकायत है कि बहुत सारी फोटोज लेने के बाद ये फोन थोड़ा सा हीट हो गया था, जो कि एक फिक्र करने वाली बात है क्योंकि अगर हम 4-5 फोटोज एक साथ खींचते हैं तो बहुत सारी प्रोसेसिंग लगती है जिसकी वजह से ये फोन काफी हीट हो जाता है। अब इसका कोई इलाज नहीं है क्योंकि इसमें हैवी प्रोसेसिंग होती है जो कि सॉफ्टवेयर अपडेट से भी ठीक नहीं हो सकती। चलो अब कैमरा ऐप में चलते हैं। अगर हम नीचे की तरफ देखें तो हमें 1x और 2x लिखा दिखाई देगा। अगर हम 2x को क्लिक करते हैं तो लॉजिकली हमारा दूसरा लेंस काम करना चाहिए। अगर मैं दूसरे 2x वाले लेंस पे हाथ रखता हूं तो तब भी हमारे कैमरे के आगे मेरा हाथ नहीं आता, बट अगर मैं पोर्ट्रेट मोड की बात करूं तो उसमें दूसरे लेंस पे हाथ रखने से हमारा पूरा कैमरा कवर हो जाता है। इसका मतलब जब तक हम पोर्ट्रेट मोड से फोटो खींच रहे तो दूसरा लेंस काम में आएगा। अगर हमें वैसे 2x जूम करना हो तो वो वाइड एंगल वाले लेंस से ही डिजिटल जूम कर आपको दे देगा। मे बी हो सकता है कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता हुआ किस कंडीशन में वो वाला लेंस काम करना चाहिए। और अगर मैं इसकी सेकेंडरी कैमरे की बात करूं तो हमें 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है जो कि बहुत ही अच्छी पिक्चर्स कैप्चर करता है। अब ये सेल्फी मैंने बहुत ही अच्छी लाइटनिंग कंडीशन में खींची थी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी सेल्फी हमें इस फोन से मिली है। और ये दूसरी सेल्फी जो मैंने सन के अगेंस्ट खींची थी इसका एक्सपोजर देखने के लिए, जो कि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं इसके सेल्फी को 10 में से 8 देना चाहूंगा क्योंकि प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छी सेल्फी हमें इस फोन में मिल रही है। चलो थोड़ी डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं क्योंकि अगर फोन की डिस्प्ले अच्छी है तो पूरा यूजर एक्सपीरियंस और इंटरेक्शन फोन के साथ हमारा बहुत अच्छा बन जाता है। तो इस फोन में मिलती है 5.5 इंच की फुल हाई डेफिनेशन डिस्प्ले 1920x1080 की। सीरियसली Mi ने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करी और बहुत ही अच्छी डिस्प्ले इस फोन में लगाई है। इस डिस्प्ले के कलर्स ना ज्यादा सैचुरेटेड है और ना ही कम, बिल्कुल बैलेंस डिस्प्ले है, बहुत ही अच्छे कलर्स लगे मुझे। और शार्पनेस की बात करो तो आप खुद देख सकते हैं कि एक एक आइकन में कितनी डिटेल हमें इसमें मिलती है। इस डिस्प्ले का प्लस पॉइंट इसकी ब्राइटनेस है। अगर आप इस फोन को डायरेक्ट सनलाइट में लेके जाते हैं तो एक एक चीज आपको क्लियरली दिखेगी, इस चीज की श्योरिटी मैं आपको देता हूं। इस फोन की डिस्प्ले देखते ही आप कहोगे हाँ बहुत ही ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले है और बहुत ही क्रिस्प है। अगर आप सोच रहे कि इस फोन में 2.5D ग्लास मिलता है नहीं, तो जवाब है हाँ 2.5D ग्लास के साथ साथ हमें बहुत ही अच्छे व्यूइंग एंगल्स मिलते हैं। अगर आप बिल्कुल कॉर्नर से भी इस डिस्प्ले को देखोगे तो कलर्स बिल्कुल भी फेड नहीं होते। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये फोन 5.5 इंच डिस्प्ले के साथ बहुत बड़ा तो नहीं हो जाता? तो जवाब है हाँ काफी बड़ा है, आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक नहीं पहुंच सकते, आपको 2 हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। थोड़े से रेक्टेंगुलर लुक होने की वजह से थोड़े से शार्प एजेस है, अगर आप थोड़े लंबे टाइम तक इस फोन को यूज करते हैं तो आपके यहाँ पर हाथ में दर्द हो सकता है। चलो इस फोन की थोड़ी सी बॉडी के बारे में बात करते हैं। हमें इस फोन में बहुत ही प्रीमियम बॉडी मिलती है, पूरी एल्यूमिनियम फिनिश का ये फोन है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये iPhone 7 Plus जैसा दिखता है और एल्यूमिनियम फिनिश और ब्लैक कलर के साथ तो इस फोन पे बैक साइड पे बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स हमें मिल जाते हैं। और ये फिंगरप्रिंट कहूं या स्मजेस कहूं इस फोन में बहुत ज्यादा नोटिस होते हैं, तो आपको एक कवर लगाना ही पड़ेगा। हमें इस फोन के लेफ्ट साइड पे सिर्फ सिम स्लॉट मिलता है और राइट साइड पे हमें वॉल्यूम अप और डाउन की और पावर बटन, और नीचे की तरफ हमें एक स्पीकर मिलता है, एक हेडफोन जैक और टाइप सी रिवर्सिबल कनेक्टर मिलता है चार्जिंग के लिए। और अगर मैं इस फोन की नेविगेशन कीज की बात करूं तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और कितनी सिंपल कीज हमें इस फोन में मिलती है। और पीछे की
तरफ हमें मिलता है फिंगरप्रिंट स्कैनर जो बहुत ही अच्छे स्पॉट पे एमआई ने लगाया है, बहुत ही इजीली हमारा हाथ उस फिंगरप्रिंट स्कैनर तक पहुंच जाता है। बट कमी है कि जब डिस्प्ले ऑफ हो तब इस फिंगरप्रिंट को टच करे तो पूरा एक सेकंड का डिले आता है इस फोन को अनलॉक होने में, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बुरी बात है क्योंकि सेम प्राइस में मोटो G5s Plus मिलता है जिसमें बिल्कुल भी डिले नहीं आता। और इस फिंगरप्रिंट स्कैनर का एक और यूज है कि अगर हम इसको स्वाइप अप और डाउन करते हैं तो हमारा नोटिफिकेशन बार नीचे और ऊपर आता है स्वाइप अप और डाउन करने पे। अगर मैं ओवरऑल फील की बात करूं तो बहुत ही प्रीमियम लगता है फोन, बस कमी है कि पीछे एल्यूमिनियम होने की वजह से हमें बिल्कुल भी अच्छी ग्रिप नहीं मिलती। अगर ये फोन आप किसी को भी दिखाओगे तो वो बंदा मानेगा ही नहीं कि ये 15,000 रुपए का फोन है। ये फोन इतना ही बड़ा नहीं है कि कैरी नहीं हो पाएगा, इजिली कैरी हो पाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी पॉकेट में कितना इजिली ये फोन फिट आ जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फोन में स्पेशल क्या है। ये फोन एक एंड्रॉइड 1 डिवाइस है, मतलब कि एमआई ने गूगल के साथ मिलकर ये डिवाइस निकाला है और गूगल ने प्रॉमिस किया कि अगले 2 साल तक हर महीने इस फोन में सिक्योरिटी अपडेट्स हमें मिला करेंगे। मतलब अब आपको शाओमी के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा सॉफ्टवेयर अपडेट्स को लेकर, और अगले 1 या 2 महीने में इस फोन को ओरियो अपडेट देने की भी प्रॉमिस किया गया है। वैसे हमें शाओमी के हर एक फोन में एमआई यूआई मिलती है, बट इसमें हमें स्टॉक एंड्रॉइड मिल रहा है वो भी 7.1.2। और इस फोन की रैम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, मुझे एक भी शिकायत नहीं है, सारी एप्स बहुत ही ऑप्टिमाइज जब तक मैंने इस फोन को यूज किया। और अगर आप NFC यूज करते हैं तो ये फोन आपके लिए नहीं है क्योंकि इसमें हमें NFC नहीं मिलता, बट इसमें हमें इंफ्रारेड पोर्ट मिलता है, मतलब कि आप इस फोन को टीवी का, AC का, किसी का भी रिमोट बना सकते हैं। हमें इस फोन में MI रिमोट नाम की एक ऐप मिलती है जिसके अंदर हमें बहुत सारे रिमोट के ऑप्शंस मिल जाते हैं और आप डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बहुत ही स्मूथ UI है, आप मुझ पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं और इस फोन को खरीद सकते हैं। बस कमी इस फोन के कैमरे में है, थोड़ी बहुत पिक्चर्स अच्छी नहीं आती बट पोर्ट्रेट मोड से बहुत ही कमाल की पिक्चर्स आती है। और अगर आप थोड़ा सा भी टेक्नोलॉजी में शौक रखते हैं तो ये डिवाइस आपके लिए है क्योंकि हर महीने सिक्योरिटी अपडेट्स मिला करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। होप आपकी इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प हुई और आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ये फोन खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अगली वीडियो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।